Uh, रबता किया हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे और उनका जी मेरा नाम मेहरान खान है आई एम फ्रॉम बहावलपुर और मैं आपके शो में आना चाहता हूँ और मैं इस डिफरेंट करियर शोबे के ऊपर बात करना चाहता हूँ तो हम मेहरान से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं गुड मॉर्निंग अल्लाक महरान वाईकम् सर सर फार्मासिस्ट तो होता रहेगा सबसे पहले आ, आ, मैं आपको 90s की जनरेशन की जो बात बताना चाहता हूँ आपकी बात बताना चाहता हूँ कि आप कार्टून लगाते थे साढ़े सात बजे से आठ बजे तक वो स्कूल का टाइम होता था तो मेरी जनरेशन जो है वो आज आपको एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है कि आप साढ़े सात बजे क्यों लगाते थे <laughs> क्योंकि वो स्कूल का टाइम होता था और हम लोग जाते थे जिन जिन को भी मैं बताया मैंने बताया कि मैं राइजिंग पाकिस्तान में जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ये ये, ये मैसेज हमारा जो तो है। जो है। ये हमारा जो जो है है शो तो पे एहत पंद्रह साल बाद एहत रहे अब तो मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती होते अब आपकी जो है ना थर्ड जनरेशन आ रही है तो जो सेकंड जनरेशन है वो रहा एनी हाउ वो एक अच्छा अच्छा जरिए पहले से एहतजाज का जवाब सुन लो तो भाई आ, मैं कॉम के सामने आप सबसे माजरत करता हूँ एंड आई एम सॉरी कि हम साढ़े सात लगाया करते थे हमें सात बीस में लगाना चाहिए था क्योंकि मुझे वाकई आपकी जनरेशन का हर बच्चा जब जो बच्चा नहीं है माशाल्लाह बड़ा हो गया है वो मुझे आते जाते रास्ते में जब भी कोई मिलता है वो ये कहता है कि जी हम स्कूल से लेट होते थे और वो जो लाइन होती थी ना लेट कमर्स वाली उसमें खड़े होते थे और रब्बा उठा के गाड़ी में डाल रहे होते थे वो सारे सीन जो है वो हमने देखे हैं दूसरा सर आपने फार्मासिस्ट की बात की फार्मासिस्ट जो है इस टाइम जब कोरोना आया आ, तो सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम फार्मासिस्ट की है हम उसकी स्किल्स को जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे okay. जो चीजें उसमें जो है आ, यूज की जाती थी उसमें मार्क्स था उसमें हैंड सैनिटाइजर सान, थे फार्मासिस्ट होता कौन फार्मासिस्ट uh, uh, जो है दवाई का लफ्ज़ जहाँ जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं फार्मासिस्ट का लफ्ज़ भी वहाँ पर जुड़ता जुरत, जुड़ता है फार्मासिस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक होता है फार्मासिस्ट जो कि इंडस्ट्री में काम करता है ठीक है जो कि दवाइयाँ बनाता है मतलब फ्रॉम द स्टार्ट शुरू से आखिर तक दवाइयाँ जो है जो बन के जो आ रही फैक्ट्रियों इन प्रोसेस जो है उनके स्टैंडर्ड चेक कर रहा होता है और फाइनल प्रोडक्ट जब मार्केट में आ जाती है तो वो पूरा जो प्रोसेस जो वो देख रहा होता है वो फार्मासिस्ट होता है नेक्स्ट जो फार्मासिस्ट आगे वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन पर तो जब डिस्ट्रीब्यूशन पर आती है तो वहाँ पर क्वालिटी चेक जो है वो भी फार्मासिस्ट कर रहा होता है नेक्स्ट जो है फिर रिटेल फार्मासिस्ट आता है तो फिर आगे फार्मेसी मेडिकल स्टोर और वहाँ पर जो है ना वो फार्मासिस्ट आ जाते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है जो कि हॉस्पिटल में हमारी दवाइयों को चेक कर रहा होता है स्टैंडर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है इन द एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो हॉस्पिटल में जो कि अभी नहीं है पाकिस्तान में जबकि ज़रूरत भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है तो वो है क्लिनिकल इसके, इसके लिए पढ़ाई पढ़ा। क्या होती है इसके लिए पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जो है वो इसको रेगुलेट करती है एक पाँच ईयर का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम है और इवन इट कैन गो बियॉन्ड फाइव ईयर इन सम केसेस तो पांच साल का फार्मेसी पा, का जस्ट लाइक अ डॉक्टर मतलब पूरे पांच साल देने पड़ते हैं जस्ट लाइक अ डॉक्टर पांच साल मतलब पूरा इट्स अ कंप्लीट इट इज जो रेगुलेट uh, करती है इसको पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल करती है ओके okay. तो इसमें uh, जब एक ग्रेजुएट हो जाता है तो एक हमें कैटेगरी इशू होती है काउंसिल की तरफ से जिसकी बेसिस पर हम अपने uh, मेडिसन सेलिंग पॉइंट या ड्रग सेल पॉइंट ओपन कर सकते हैं जिसमें फार्मेसीज भी शामिल हैं जिसमें मेडिकल स्टोर्स भी शामिल हैं अच्छा जिस तरह भी आपने मेडिसन का जिक्र किया और फिर मेडिकल स्टोर्स का जिक्र किया वो आ, लोग जो वहाँ जैसे मैं मेडिसन लेने जा रही हूँ तो फार्मासिस्ट के पास हम जाते हैं वो फ़ॉन से जो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ॉर से बताते हैं कि ये मेडिसिन वहाँ पड़ी हुई है तो क्या वो सारे क्वालिफाइड होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं या उसकी स्टडीज़ साथ, साथ जारी होती हैं देखिए फार्मासिस्ट जो है वो होते हैं उस पर आ, जब भी फार्मेसी खुली हुई है जब भी आ, कोई ड्रग सेल का सेटअप है वहाँ पर इसका मतलब है कि वहाँ पर फार्मासिस्ट होंगे नहीं होंगे तो वो चीज़ गलत है लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो टेक्निकल पॉइंट हैं जो हमारा डिफरेंट एक्ट हैं फैक्ट्री एक्ट हैं वो कहते हैं कि एक जो जॉब का ड्यूरेशन है वो एट आर होना चाहिए अगर फार्मासिस्ट ए टू फोर आ है तो फोर से ऑनवर्ड हमें दूसरी अरेंजमेंट करनी है अगर हमें ट्वेंटी फोर बाई सेवन चाहिए ज़िए, ज़िए, मतलब वी कांट एक फार्मासिस्ट को क्या हम सुबह से रात तक ठहराए रखें यह भी नहीं हो सकता बट पैरिफरीज में जहाँ पर फार्मासिस्ट फा, फार्मेसीज पर ड्रग सेल पॉइंट पर अवेलेबल नहीं है तो वो होने चाहिए अच्छा क्योंकि लाइसेंस भी जी जी आपको फार्मेसी फार्मेसी से मुराद आम साथियों आम लफ्सों में जो हम मेडिकल स्टोर कहते हैं कि जो जाके मेडिकल स्टोर से डॉक्टर ने नुस्खा हाँ, लिख के दिया आपने जाके मेडिकल स्टोर से दवा ली उसको फार्मेसी भी कहा जाता है मेडिकल स्टोर भी कहा जाता है आ, वेस्ट में उसके लिए अमरीका बरतानिया में फार्मेसी का लफ्स है हम लोग मेडिकल स्टोर कहते हैं जागैल मेडिकल स्टोर तो मेहरान मेडिकल स्टोर <laughs> रिबेका मेडिकल स्टोर तो वो ज़्यादातर हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर का लफ्स इस्तेमाल होता है तो ये लाइसेंस भी एक ऑथराइज फार्मासिस्ट के को ही मिलता है उस मेडिकल स्टोर जी का। जी मैं मतलब जाके मेरा दिल करे मैं मेडिकल स्टोर खोल लू ऐसा नहीं हो सकता नहीं आप खोल सकते हैं उसमें यह है कि आपका जो आप एज प्रोपराइटर आ सकते हैं उस वक्त होगा जब आपके पास फार्मासिस्ट मौजूद होगा लाइसेंस जिसके पास मौजूद होगा अच्छा, मैं दूसरा फार्मेसी और मेडिकल स्टोर का आपने वर्ड uh, इस्तेमाल किया इसमें डिफ्रेंसीज है आपने देखा होगा की मेडिकल स्टोर का ब्लू कलर होता है फार्मेसी का ग्रीन कलर होता है ठीक है Uh, जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है वो uh, दो तरह की कैटेगरीज़ अलॉट करती है एक होती है बी कैटेगरी की जो कि दो साल का डिप्लोमा होता है आफ्टर एफएससी और एक जो है वो फार्मेसी की जो है वो इशू करती है जो कि पाँच साल की होती है जहां okay. पर फार्मेस बैठा होता है दो तो डिग्री होती है जी जी proper, वो डिग्री okay. होती है सो देयर इज़ थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है कि फार्मेसी पर ये चीज़ें रखी जा सकती हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड हैं Hmm. और मेडिकल स्टोर पर नहीं रखी जा सकती okay. तो वो एक okay. थोड़ा सा डिफरेंस अच्छा जी आप जरा थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं क्या एक फार्मासिस्ट पाँच साल की डिग्री करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर क्या मौाक़े हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में क्या इस वक्त ज़रूरत है फार्मासिस्ट की तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइए पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की जितनी ज़रूरत है उस लिहाज से बहुत कम है आई विश आई कुड हैव शेयरड यू डाटा जो करियर अपॉर्चुनिटी आप देखें करोना जब से आया है तो उसमें एक ही चीज़ जो है बिजनस मैन अट्रैक्ट होने लगा कि मेडिसन जो है वो कभी बंद नहीं होगी जैसे करोना आया तमाम मैंने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है तमाम बिज़निस मैन जो है न वो अपने बिजनेसिस पेंट के बिज़नेस छोड़ के दूसरे बिजनेस छोड़ के वो इस तरफ जो है वो आने लगे हैं के उसमें जो है ना मेडिसिन जो है वो बंद नहीं होगी तो ये एक तो आप इंटरप्रोर जो है एक कोई बंदा आ सकता है सेकेंडली रेगुलेटरी बॉडीज़ में हमारे जितने भी आई वाज लकीली पार्ट ऑफ हेल्थ थिंक टैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया मुझे उस 24 मेंबर की कमेटी में हमने एथिकल मार्केटिंग रूल बनाए तो रेगुलेटर भी फार्मासिस्ट आ सकता है ओके okay.

ऑफ कोर्स जब आप लैब में रिसर्च लैब में काम कर रहे होते हैं इट इज नॉट एक uh, अकेला शख्स अकेला शख्स नहीं, कर सकता, सकता उसमें आपकी पूरी लैब इन्वॉल्व होती है एग्जैक्ट अच्छा मेहरान एक आम आ, आ, क्या कहेंगे तरीका कार है हमारी सोसाइटी का कि छोटी मोटी बीमारी के लिए ना हम कहते हैं अच्छा डॉक्टर के पास क्या करना जाके वो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाके उसी फार्मासिस्ट को ही हम कहते हैं डॉक्टर साहब ये गर्दन में ना बड़ा दर्द है इधर यहाँ पे कोई ऐसी मुझे कोई दवाई दें कि गर्दन में बल पड़ा हुआ है या कमर में चुक पड़ गई है या नज़ला है या पेट ख़राब हो गया मतलब और क्या, ये क्या एथिकल चीज़ है या आप इसको आज हमारे शो के जरिए क्या लोगों को भी बताना चाहेंगे और मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले फार्मेसी में काम करने वाले लोगों को भी बताना चाहेंगे कि इस तरह की दवाइयाँ शवाइयाँ देने लेने का तरीका कार एथिकल है सर आई विश आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना होता और मेरे ख्याल से जितने आप फिट हैं होता भी नहीं होगा uh, जिनको जो है ये इशू होता है अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद हो एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर ड्रग एक उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है कि जो आ, फार्मासिस्ट वहाँ पर दे के डिस्पेंस कर सकता है आ, बस फार्मासिस्ट वहाँ पर अवेलेबल हो तो वो डिस्पेंस कर सकता है आप किसी आप जब जाएं इस तरह के केस में पूछें आप फार्मासिस्ट अवेलेबल है इफ़ फार्मासिस्ट इज़ अवेलेबल दैन उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको Uh, जो है, नहीं। no. हमारे तो एंटीबायोटिक्स uh, का भी नहीं कह सकते एंटीबायोटिक मुझे, दे दे। मुझे हर साल सर्दियों में चेस्ट कंजेशन होती है एंटीबायोटिक चल जाएगी hmm. तो एंटीबायोटिक्स भी हम बहुत ज्यादा खाते हैं हम दवाइयाँ जनरली एज ए नेशन हमें दवाइयाँ खाने का बड़ा शौक है आपका इसके बारे में क्या है मुझे लगता है रेजिस्टेंट हो जाएंगे एंटीबायोटिक सीरियसली सो इट इट इज एन अलार्मिंग फॉर साउथ एशियन कंट्रीज और इस हवाले से हमें तदारु करना है एम आर प्रोग्राम जो है जो दो हज़ार पंद्रह में शुरू किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दो हज़ार सत्रह में शुरू किया तो ये क्या प्रोग्राम है जी ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट प्रोग्राम उसके हवाले से हम रूल्स बना रहे हैं तो उस हाँ। हवाले से हमें रेगुल आ, रे, आ, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाने और इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है तो उससे जो एक प्रिस्क्रिप्शन में तीन या चार या पांच एंटीबायोटिक्स लिखी हुई हैं उसको हमने डिस्करेज करना है जैसा आपने आ, आजकल सुना होगा कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नुस्खा शेयर किया जिसमें पच्चीस मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की हुई हुई थी और उन्होंने एमरजेंसी बेसिस uh, पर उन्होंने एक एथिकल मार्केटिंग कमेटी बनाई अच्छा कि मुझे एथिकल मार्केटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए और उसमें जो है ना मुख्तलफ़ जोनरा से लोग बुलाए गए उसमें अमेरिका से भी डॉक्टर्स थे उसमें पाकिस्तान से जो है ना मैंने नुमाइंदगी की है तो हमने जो है ना पिछले लास्ट वीक उस पर जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन कर ली है और आई विश के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर भी हम लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन कर लें हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल यूरोप में अमेरिका में क्या होता है एक बंदा जब दवाई लेने के लिए जाता है वो चेकअप करवाने के लिए जाता है उसके पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कल्चर टेस्ट होते हैं कि ये किस एंटीबायोटिक की इसमें रेजिस्टेंस है ओके okay. हमारे और कौन सी दवाई इसको दी जाए कोई कौन सी हमारे कल्चर आप, टेस्ट का कांसेप्ट ही नहीं है जो मेहरान ने बात बताई ना बड़ी स्करी है कि जिस तादाद में जिस अमाउंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स कि फे मार रहे होते हैं और ये ये। शौकिया खा रहे होते हैं छींक आई नहीं तो एंटीबायोटिक शुरू कर दी तो 2040 तक पाकिस्तान उन ममालिक में आ जाएगा जिनके ऊपर एंटीबायोटिक असर कर नहीं छोड़ देगी मतलब इतनी आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती आ, है कि हाँ। उसका असर ही खत्म हो जाएगा तो ये काइंडली सेल्फ मेडिकेशन को हम हाईली डिस्करेज करेंगे के घर में बेशुमार दवाइयाँ रखी हुई है और बस कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे लोगों को शौक होता तो है और तजी का आप देखें कि लोग बहुत होते हैं। देखें जी, मुझे पता है कि पेट में दर्द होगा मैं ये वाली दवाई, सर में दर्द है, मतलब और भी बहुत से ऐसे मसाइल और रिकमेंड किया जाता है किसी दूसरे को भी हम बड़े खुशी से कहते हैं वो तो आधा डॉक्टर है जी उन्हें सब पता है और मेरे वाले हमेशा कहा करते हैं कि जिस जो आपने अपने एक्सपेरिमेंट कर लिया है वो कभी किसी दूसरे को आप रिकमेंड ना तो काइंडली आप खुद को जो है वो इतना एजुकेट रखें कि आपने ये चीजें नहीं करनी एक सवाल आपसे मेहरान और जानना चाहेंगे जेनेरिक और ब्रांड मेडिसिन में क्या फर्क होता है मैं हमेशा से शुक्र है हम लोग इस तरफ जितनी भी पाकिस्तान में ड्रग्स अवेलेबल हैं फार्मेसी मेडिकल स्टोर में क्योंकि ड्रैप ने उन्हें पास कर दी है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग हैं। अब जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन की तरफ अगर हम जाएंगे तो उससे ये है कि हम

उसकी गिफ्टिंग टूवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकती है आई एम नॉट द वन पर्सन इंक्लूडिंग ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको गिफ्टिंग हो सकती है और वो सारी कॉस्ट बेयर कौन कर रहा है इन द एंड पेशेंट बर्दाश्त कर जो, था। consumer था। consumer था। जो है कंज्यूमर कंज्यूमर जो जो वो बर्दाश्त कर रहा है अच्छा तो ये जेनेरिक मेडिसिन की तरफ हम हमें जाना चाहिए जाना चाहिए हम वी आर अंडर डेवेल्प कंट्री हमें हमें इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसके अलावा कोई ऑप्शन अमेरिका में आप देखें कि 70 परसेंट जो प्रिस्क्राइबिंग है वो जेनेरिक है एंड वी आर अंडर डेवलप्ड हमारे रिसोर्स इतने नहीं है हमारा हमारे यहाँ डेथ अक्सर इस वजह से हो जाती है कि पेशेंट दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकते और आई hmm. थिंक एक ये भी चीज़ तो है तो हम देखते हैं कि ब्रांड जब हमारे दिमाग में आता है तो हम बहुत एक्साइट अच्छा ब्रांड है तो वो चीज़ ऑथेंटिक होगी तो आई थिंक ये भी एक माइंड जो है वो चेंज करने की जरूरत है मेहरान थैंक यू वेरी मच आपने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई अपने उस आ, उस फेसबुक इनबॉक्स में और हमारी टीम ने भी देखे पिक किया और हमने कहा कि नहीं हमें इस मौजू पर बात करनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आप बहावलपुर से ऑल द बेस्ट थैंक यू हम लेंगे जी आप राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा देखेंगे कि कामयाबी के पीछे आपके सितारे कितने होते हैं या आपकी मेहनत कितनी होती है या आपका पैशन और आपका जुनून कितना होता है ये सब हम जानेंगे इमरान अली साहब से जो कि पाकिस्तान के एक लीडिंग एस्ट्रोलर हैं और आज उनसे कुछ हम 2022 की बात करने जा रहे हैं कि खास तौर पे ये हमारे शोबिज़ और ग्लैम दुनिया में क्या होने जा रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या होने जा रहा है कोविड का क्या होने जा रहा है और जनरली पाकिस्तान का फ्यूचर दुनिया का फ्यूचर क्या कहानी है क्या खबरें हैं ये सब हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद इमरान के साथ